सुनिए सुधांशु मिश्रा जी और ध्यान से सुनिए राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर सरकार की जगह पे आप बच्चों को मिसलीड करेंगे तो नहीं चल पाएगा। सुधांशु त्रिवेदी, हाँ सुधांशु जी, बिल्कुल अगर आप बच्चों को मिसलीड करेंगे नहीं चल पाएगा, बड़ी गलत बात है। मैंने कहा फिलिस्तीन का प्रस्ताव, भारत की सरकार फिलिस्तीन पर जो भाव देती है एक एक शब्द वही कांग्रेस देती है, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब मैं फुल्लर डिबेट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक योगी आदित्यनाथ के पोस्टर ने राजनीति को गर्मा दिया है। क्या महाराष्ट्र चुनाव में भी योगी की गूंज सुनाई देगी? बीजेपी के नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें कहा गया कि जाति और भाषा के आधार पर विभाजन करने की कोशिशों का जवाब देने का मंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे। इन्हीं सारे मुद्दों पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के साथ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच हो गई भयंकर भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट, आइए देखते जाएगा क्या प्रॉब्लम क्या है, बटेंगे तो कटेंगे वाले से। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपको पसंद आ रहा है? अरे नहीं, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये लोग इतना ज्यादा अभी बोल रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बर्मा में हुआ, हर जगह का इनको याद है। इनको ये कतई याद नहीं है कि जिस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन यानी संघ क्या कर रहा था, जनसंघ क्या कर रहा था। ये लोग थिथरई कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे इसके अलावा, और आज भी थिथरई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बयानबाजी करनी। हम तो कहते हैं कि नल बटा, नील बटा, कोल बटा, भील बटा, अगड़ा बटा, पिछड़ा बटा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी आई ना। बिल्कुल सही बात कही सुधांशु जी ने, बिल्कुल नहीं बटना है, कटेंगे नहीं, हम बटेंगे भी नहीं, बिल्कुल जान लीजिए सुधांशु जी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अब तक बांटा, आप लोगों ने कहा हमसे कि अगड़ा पिछड़ा हो जाओ, आप लोगों ने कहा कि संविधान का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आप लोगों ने कहा 400 सीटें दो देश का संविधान बदल देंगे। हम लोग बटने की जगह पर एक हो गए, और एक हो गए तो आज की डेट में सुधांशु जी परेशानी में आ गए, हर बिल वापस ले रहे हैं। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, क्या नाम अंजना जी, कि बांटिए और काटिए। अब हम लोगों ने मान लिया है कि हम कतई नहीं बटेंगे। हां, अब भाजपा को बांटेंगे। कोई भाजपा होगी सुधांशु त्रिवेदी जी की, कोई भाजपा होगी योगी जी की, कोई भाजपा होगी मोदी जी की, कोई भाजपा होगी शाह जी की। आने वाले समय में भाजपा बटेगी। सुधांशु जी की भी होगी? हाँ हाँ, सुधांशु, अरे सुधांशु जी इस मामले में फिट आदमी है, फिटेस्ट कैंडिडेट है। ये संस्कृत भी अंग्रेजी में बोलते हैं तो इतने बढ़िया संस्कृत अंग्रेजी में बोलते हैं ये, और आएंगे पता, जानते क्या करते हैं, क्या प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। आपको जो समझ लें, है ना, बिल्कुल प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, लखनऊ के हैं। ये अपनी जगह पर हम बिल्कुल नहीं इस बात में। हाँ, ये बोलेंगे 16 जून 15 जून 14 जून ब्रिटिश के अखबार ने कहा कि अब इंडिया का एक्चुअल में आया है। अरे भाई, उसी ब्रिटिश के अखबार ने मोदी जी के बारे में जब उल्टी सीधी बातें लिखी थी तब, आज की डेट में कनाडा में क्या हमारी हो रही है, अमेरिका में क्या हो रही है, अब आज की डेट में तो 10 साल से आपकी सरकार है, आपके नेता कहते हैं कि अगड़ों को पिछड़ों से काट दो, आपके नेता कहते हैं हिंदू को मुसलमान के साथ बांट दो, आपके ही नेता कहते हैं कि दलित को अति दलित और पिछड़ा दलित टाइप में कर दो। तो ये लोग जितनी बातें कर रहे हैं आज की जनता सब समझ रही है, हमारा नल नील कोल भील सारे अगड़े पिछड़े सब समझ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब समझ रहे हैं। छोटा सा जवाब, एक सेकंड, क्या ये नारा जातिवाद की पॉलिटिक्स का आरोप जो आप विपक्ष पर लगाते हैं उसके खिलाफ नहीं है? क्या ये बटोगे तो हम हारेंगे वाली पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल, इन्होंने जो बात कही है पर उसके मर्म को समझने की जरूरत है। कौन नहीं बट रहा है ये बताइए। सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हासिल की है? ममन खान, फिरोजपुर का 98,000। सुनिए, जहां पर मुस्लिम 80% है वहां 98,000 से जीते हैं। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल की है? असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। 3 गुनी बड़ी जीत राहुल गांधी से हासिल की है, जाके चेक करिए, धुबरी में 90% मुस्लिम है। तो जो नहीं बट रहा है, एक को तो नहीं बांटना है। अभी बताइए, हिजबुल्ला को लेकर समर्थ प्रदर्शन हुआ, किसी ने विरोध किया? अगर यही बात हो जाए बांग्लादेश पे क्यों बोलते हो? मगर हमास के लिए बोलो, हिजबुल्ला के लिए बोलो, फिलिस्तीन के पक्ष में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है। इन्होंने भी कनाडा का नाम लिया, कनाडा वालों ने इंदिरा जी के बारे में उनका असैसिनेशन करते हुए झांकी प्रस्तुत की थी, कोई इन्होंने आलोचना का एक प्रस्ताव पारित किया। या तो आपका विदेश नीति सरकार काम है तो फिलिस्तीन पे क्यों बोले थे, फिर हमास पे क्यों बोले थे? इनका मतलब बहुत साफ है, 20 फीसदी
बाट सहेज के रखना है, 80% बिखेर के रखना। लेकिन इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है, क्या आपको पता नहीं है कि मुस्लिम वोट आपको नहीं जाता है उस तरफ जाता है? 2024 जो आप बार बार डुबरी की सीट की बात करें या नू की सीट की, 92% ये CSDS का डेटा है, मुस्लिम वोट 92% जाता है इंडिया गठबंधन को, आपको मिलता है 2%। खामियाजा भुगतते हैं नीतीश बाबू जैसी पार्टी। आप बात समझिए, इंडिया गठबंधन को नहीं, डुबरी पे कौन जीतता था पहले? AIUDF के बदरुद्दीन अजमल, वो साफ हो गए, कांग्रेस जीत गई। ये बताइए, इमरान मसूद सपा में थे तब नहीं जीत पाए थे, अब आए सहारनपुर में वोट मिला सारा कांग्रेस को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वहां पे कोई नहीं। अब सारी लड़ाई इसलिए एक लाइन में कहूंगा, एक लाइन हो तो क्या, देखिए सारी बात क्या है, आप याद रखिए, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की। हो गया अंजना जी, एक 5 सेकंड का एक इंटरव्यू, सिर्फ 5 सेकंड का, सिर्फ 5 सेकंड, 5 सेकंड में 50 सेकंड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 5 सेकंड का। इन्होंने कहा कि हमास पर हम लोगों ने जो है वो किया, फिलिस्तीन पे कहा, नहीं सुना अभी, हमास पे कहा था फिलिस्तीन, मैंने कहा, इन्होंने करेक्ट कर लिया, और फिलिस्तीन पे भारत की सरकार का, सुनिए सुधांशु मिश्रा जी, और ध्यान से सुनिए राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर सरकार की जगह पे आप बच्चों को मिसलीड करेंगे तो नहीं चल पाएगा। सुधांशु त्रिवेदी, हाँ सुधांशु जी, बिल्कुल, अगर आप बच्चों को मिसलीड करेंगे नहीं चल पाएगा, बड़ी गलत बात है। मैंने कहा फिलिस्तीन का प्रस्ताव, भारत की सरकार फिलिस्तीन पर जो भाव देती है, एक एक शब्द वही कांग्रेस देती है, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब मैं बताता हूं, अगर आप फिलिस्तीन पे बोलना चाहते हो तो चीन ताइवान पे बोलिए, रशिया यूक्रेन पे बोलिए, आप किसी भी देश नीति पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ फिलिस्तीन पे क्यों बोलते हैं, उसका कारण सबको समझ में आता है। देखिए कमाल की बात है, पूरे डिबेट में इतनी देर तक जब बात हुई तो मुस्लिम शब्द कौन लेके आया इस डिबेट के अंदर पहली बार? सुधांशु जी, 80-20 की बात किसने की सबसे पहली बार? अभी तुरंत जब डिबेट 80-20 की किसने बात की? सुधांशु जी ने। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर बांट के राजनीति करना चाहते हैं, हमें आपको बांटना चाहते हैं, किस बात के लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सत्ता मिल जाए इसलिए आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सब में बांट दोगे, बटोगे तो कटोगे, ये कोई भाषा होती है क्या? ये भाषा है क्या? अपने घर में आप बोलोगे अपने बच्चों के साथ बटोगे तो कटोगे, नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते, तो समझाया नहीं बोल सकते, आप बटोगे तो भाई भाई लड़ोगे तो मारे जाओगे, आप पेट में दर्द होने लगा क्यों पकड़े गए? अरे यही तो कहा जाता, परेशान हो गए, आप रुक जाइए, अनेकता में एकता, हमारा देश हमेशा से बोला जा रहा है विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का देश है, फिर भी हम सब एक रहते हैं, इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं ना, भाषा अनेक लेकिन भाव अनेक, भाव एक, यहाँ पे राज्य अनेक राष्ट्र एक, बोली अनेक स्वर एक, रंग अनेक तिरंगा एक, समाज अनेक भारत एक, और रिवाज अनेक संस्कार एक, चेहरा अनेक मुस्कान एक। हम मुस्कान लाना चाहते हैं, सब पे एक सी मुस्कान होनी चाहिए, कोई नीचा नहीं, अगड़ा नहीं, पिछड़ा नहीं, कोई किसी का भेदभाव नहीं, हमारी मुस्कान होनी चाहिए। ये मुस्कान छीन लेना चाहते हैं, ये मुस्कान किससे छीन लेना चाहते हैं? इनकी भाषा शैली देखिए, मंच में खड़े होंगे तो क्या बात करेंगे? कहीं बच्चों के बारे में नहीं बोलेंगे, किसानों के बारे में नहीं बोलेंगे, महिलाओं के बारे में नहीं बोलेंगे, बटोगे तो कटोगे, ठोक देंगे, ये भाषा शैली है। एक नेता ऐसी भाषा इस्तेमाल करेगा तो समाज में क्या मैसेज जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? कासगंज में क्या हुआ? आपका पुलिस सिस्टम फेल हुआ, आपकी सरकार फेल हुई, आपकी नाकामी की वजह से, आपके पुलिस सिस्टम की फेलियर की वजह से वहां पे एक हमारे आपके बीच का रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई, हत्या हो गई, क्योंकि आपने अगर सिस्टम पूरा मैनेज किया होता, रेकी की होती, LIU डिपार्टमेंट आपका काम कर रहा होता, वहां पे आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा होता, वो 21-20 साल का लड़का 6 महीना पहले शादी हुई, हो सकता है ना समझ भी हो सकता है, किसने उसको उसकाया, किसने उसको उत्तेजित किया कि जाके चढ़ गया वो किसी के घर पे, और जब चढ़ भी गया था अगर पुलिस सिस्टम वहां होती तो पुलिस सिस्टम उसके घर में घुस के जो वहां हत्या है उसको रोक सकती थी, क्यों नहीं रोकी आपका पुलिस ने? उसके बाद हत्या हुई, हत्या होने के बाद क्या हुआ? हत्या होने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी किसी प्रकार का किसी का घर ना जल पाए, लोगों के घर जला दिए गए, 150-200 घर जल गए, वहां पे गाड़ियां जल गई, मोटरसाइकिल जल गई, ट्रक जला दिए गए, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, किसे हम कहते हैं उसकी जो हत्या है इसकी सभी निंदा करते हैं, किसी की भी हत्या हो, चाहे हत्या रामगोपाल मिश्रा की है हो या किसी का घर लूटा गया हो, हत्या क्या पुलिस कार्रवाई की भी तो निंदा करने लगते हैं उस बात, मेरी बात अभी रुकिए ना, अभी परेशान मत होइए, आप उसके बाद उसी उन्हीं अपराधियों को आप पकड़ते हो, इनकाउंटर करते हो, पकड़ा ना आपने, अच्छा क्या आपने पकड़ा, लेकिन उसके पहले आपने क्यों नहीं पकड़ा उसकी, अगर उसकी मौत तो बच जाती ना, कम से कम उसकी मौत बचती, हमारे बीच में आज रामगोपाल मिश्रा होता अगर आपकी पुलिस सिस्टम मजबूत होती, हमारे बीच में उन लोगों के घर नहीं जलते, अब उसके बाद आप राजनीति करने आ गए, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेके जिम्मेदारी किस पे दो रहे, फिर नफरत की आग लगाना शुरू कर दिया, नफरत की आग बोना शुरू कर दिया, फिर चिल्लाने लगे वहां पे, आपके चिल्लाने से पता क्या होता है, ये आने वाली जनरेशन है हमारी, इनको हम क्या देके जाना चाहते हैं? नफरत, नफरत, आप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं भाई,
हम लोग इंसान हैं, नफरत एक से बांट रही है, क्या कुछ भागीदार है, अब रुक जाइए, बहुत देर हो गया भाषण। दोस्तों आजकल देश की राजनीति बहुत गरमाई हुई चल रही है। एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ पूरी इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जातियों में मत बटो बल्कि सभी हिंदू एक होकर रहो। आपको क्या लगता है, ये सारे नारे जो भी नेता देता है वो सिर्फ अपनी राजनीतिक भलाई के लिए होते हैं या सच में इन्हें जनता की कोई फिक्र होती है? इस पर आपकी क्या राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।